अखंड भारत दिवस और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कल यानी 14 अगस्त को निकलेगी। आपको बता दें कि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी संस्था कर्मश्री के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा में 25,000 से ज्यादा वाहन शामिल होंगे। वहीं आज विधायक रामेश्वर शर्मा ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम प्रशासन के अफसरों के साथ कोलार 6 लेन सड़क का दौरा किया और तिरंगा यात्रा की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर अपर आयुक्त विनीत तिवारी, अतिरिक्त अपर आयुक्त यातायात बंसल कौर, SDM कोलार आशुतोष गोस्वामी, कार्यपालन मंत्री अवनिंद्र सिंह, SDO दीपक भंडारी, नवनीत गुप्ता, BJP नेता BS वाजपेयी, प्रदीप पाटीदार और बबीता डोंगरे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के उद्देश्य से मुखर्जी नगर कोलार से लेकर संत नगर तक सबसे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसका ड्रेस कोड रहेगा, जिसके तहत यात्रा में शामिल होने वाले लोग कुर्ता पैजामा, तिरंगे रंग का दुपट्टा और तिरंगा पगड़ी खास तौर पर पहनेंगे। खबरों के पल पल अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज। धन्यवाद।